हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th की पीएसटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मैं बता दूं आपको बोलते किसे हैं। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से अपॉइंट करते हैं तो उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। वैन द कैंडिडेट्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजिशन दैन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब आप बाहर से लोगों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए, तो ये बोला जाता है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। द कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन नोटिस इज प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। जब आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी होती है तो आप करते क्या है कि अपनी ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी कुछ है उसके बाहर एक नोटिस पेस्ट कर देते हैं नोटिस बोर्ड पर, ठीक है ना, कि यहाँ पर इस स्किल की इतने लोगों की ज़रूरत है, जो भी आता है आना चाहता हो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये मेनली होता क्या है कि फोर्थ क्लास वर्कर के लिए एक अच्छा तरीका है सस्ते में एम्प्लॉयज़ फाइंड करने का, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज मीडिया इन मीडिया सॉरी इज जनरली यूज व्हेन ए वाइडर चॉइस ऑफ रिक्रूटमेंट चॉइसेस रिक्वायर्ड। जब आपको एक बड़े लेवल पर जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है तब आप क्या करते हैं कि मीडिया के थ्रू जो है ना वैकेंसी निकालते हैं और उन्हें जो है ना किसी एक पर्टिकुलर डेट पर आप क्या कर सकते हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। एग्जांपल न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न ईटीसी। बस ध्यान रखना है कि जिस लेवल के आपको वर्कर की ज़रूरत है उसी लेवल की मीडिया का आपको सिलेक्शन करना ज़रूरी होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आप करेंगे क्या, जब आपको वर्कर्स की ज़रूरत होगी तो आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाएंगे। गवर्नमेंट का भी है या अदर भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफिस खुले हुए हैं, वो करते क्या हैं कि उधर जो है ना आपको वर्कर्स का डिटेल अपने पास रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके पास जाएगी, उनसे डेटा लेगी और उनके पास कॉल करके वर्कर्स को जॉब के लिए बुला सकती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स, ठीक है ना, ये स्किल और अनस्किल्ड दोनों पर्सनस के लिए अच्छे सोर्स है, ठीक है ना। कैंपस रिक्रूटमेंट एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज। कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते किसे हैं, जैसे एक किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ होंगे वे जाएंगे, ठीक है ना, मैनेजर्स वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह, और वहाँ से एक जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स होंगे उन्हें कुछ टाइम के अप्रेंटिस के लिए जॉब के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। या लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपको फोर्थ क्लास के वर्कर की जरूरत है तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से जाके जो है ना वहाँ से उनसे कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेबर नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए, वो आपको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसकी जो मेरिट्स होंगी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की वो कौन सी होंगी, पहली हो गया क्वालिफाइड पर्सनल। जब आप बाहर से कोई चीज़ अपॉइंट करते हैं तो आप वहाँ पर किसी तरीके की लूजनेस नहीं बरतते क्योंकि आप फुल पे उन्हें करने वाले हैं। तो बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजर कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल टू अप्लाई द जॉब वैकेंट फॉर द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी वैकेंट जॉब थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए आप क्वालिफाइड और ट्रेंड पीपल आपको मिलने वाले हैं, वाइडर चॉइस। एक अगर हम इंटरनल की बात करें तो आपको 10 बार सोच करके किसी एक पर्सन को उस जॉब पोजीशन से हटाकर ऊपर बिठाना पड़ेगा या दूसरी जगह बिठाना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो वहाँ पर आपके पास वाइडर चॉइस होती है। हो सकता है एक कैंडिडेट के एक जॉब के लिए आपके पास 10 कैंडिडेट हों, ठीक है ना। द मैनेजमेंट हैज़ वाइडर चॉइस इन सेलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। फ्रेश टैलेंट आपको मिलने वाला है, नया आइडिया आपको मिलने वाला है। इट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ब्लड का मतलब न्यू आइडिया आपको मिलने वाला है। कॉम्पिटेटिव स्पाइट, ठीक है ना, जब नया कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कैंडिडेट आएगा तो होगा क्या कि वो पुरानों से कॉम्पिटिशन में उतरता है, ठीक है ना, पुराने भी उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन में रहेंगे। तो कॉम्पिटेटिव स्पाइट आपको देखने को मिलेगा। एक कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्स द स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर। तो बाहर वाले से जो है ना जो आपका इंटरनल स्टाफ होगा वो भी जो है ना
ऊपर उठने का कोशिश करेगा, कंपटीशन बढ़ेगा उनमें। लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं देखेंगे। डिसेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डिसेटिस्फैक्शन की एक तरीके से भावना आने वाली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस लेवल के लिए शायद हम उचित नहीं थे जो बाहर से अपॉइंट किए गए, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट फ्रॉम द आउटसाइड में कॉज डिसेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़, दे मे फील दैट देयर चांसेज ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस, उनके उन्हें लगता है कि उनका प्रमोशन के चांस वहाँ पर ख़त्म हो चुके। कॉस्टली प्रोसेस, ए लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट, देयर फॉर दिस इज़ कॉस्टली प्रोसेस। ये एक यहाँ पर एक बड़ा खर्चा आपका होने वाला है, इसलिए क्या होगी, क्या है कि आपकी कॉस्टली प्रोसेस होगी। ओके बच्चों, हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल से कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।